टाइम कम है, जितना दम है लगा दो, खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ा दो। तो देखिए, अपने आप भी पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इस नए ईयर को लेकर चलना है। अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को एक शानदार कंट्री और शानदार सोसाइटी बनाना है, इस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेकर चलना है। जो भी आप लोगों के टारगेट हैं, वो आप लोगों के हर टाइम दिमाग में छाए रहने चाहिए। यानी कि आप लोग चाहे सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, जो भी काम आप लोग कर रहे हो, आप लोगों के जो गोल्स हैं वो आप लोगों के हर टाइम दिमाग में रहने चाहिए। और देखिए, नया ईयर हमेशा रिजोल्यूशन के लिए भी जाना जाता है, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या रिजोल्यूशन लेने वाले हैं इस साल के लिए, यानी कि किस तरीके से आप लोग इस साल को जीना चाह रहे हैं। और अक्सर रिजोल्यूशन टूट जाते हैं, पर लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब तक आप लोग इनको फॉलो कर सकें तब तक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग जैसे हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, या फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करनी है, या फिर इतने घंटे पढ़ना स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग के लगभग उसको 20-22 दिन अगर आप लोग एक बार कर देंगे ना, फिर वो आप लोगों की हैबिट बन जाएगी और उसी तरीके से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कोशिश ये करनी है, हार नहीं माननी है स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में ही टूट जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। रिजोल्यूशन जो बनाए, स्टार्टिंग में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना फेस करनी पड़े, आप लोगों को उसको लेके आगे चलना है और कुछ टाइम तक चलने देना है, चलने देना है। फिर कुछ टाइम बाद आप लोग खुद फील करने लगेंगे कि यार ये आसान था, ये शब्द आप लोगों के दिल से निकल के आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी करना है उसको कंटिन्यू रखिए और बिल्कुल उसी तरीके से, उसी पैटर्न में लेकर चलिए जो आप लोगों ने स्टार्टिंग वाले दिन डिसाइड किया था। यानी कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो आप लोग पूरे जोश में रहते हैं, फिर वो जोश खत्म होता चला जाता है। वो जोश खत्म नहीं होने देना है आप लोगों को, उसी को मेंटेन रखना है। यही तो है जिंदगी। देखिए, जो उस जोश को मेंटेन रख के चले जाते हैं वो हिस्ट्री लिख देते हैं, और जो उस जोश को स्टार्टिंग में ही तोड़ देते हैं फिर क्या होता है, फिर आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बहुत बार फील भी किया होगा। तो अब बात यही है, देखता हूं कितने लंबे समय तक आप लोग रिजोल्यूशन को लेकर चलने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों का रिजोल्यूशन क्या है, ताकि मैं भी देख सकूं कि कितना प्रोग्रेसिव आप लोग सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग सब अपना रिजोल्यूशन बताएंगे, जिसने भी डिसाइड किया है, और जिसने डिसाइड नहीं किया है, आज का दिन रखिए डिसाइड करने का। आज आप लोगों कम से कम वो डिसीजन लेना ही लेना होगा। आखिर कब तक इग्नोर करोगे यार, अब तो आ गया ना टाइम, अब डिसीजन लो और लेकर आगे बढ़ो उसको। तो काफी कुछ शानदार डिस्कशन हमारा रहने वाला है द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले जो हमारा चल रहा है फ्री का कंटेनर, उसी को कंटिन्यू रखता हूं मैं नए साल में भी। तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर लिसुथो, जाकर मैप में निहारेगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए रिवीजन है या फिर टेस्ट के आंसर, आप लोग इसको बोल सकते हैं। जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, ये था नवतेज सिंह जौहर। तो जो यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस जो यहाँ पर नवतेज सिंह जौहर का केस था, इसी के तहत यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज करने की बात की गई थी, सेक्शन 377 को इंडियन पिनल कोड के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई थी रोज आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया, इंपॉर्टेंट है। नील आइलैंड का नाम चेंज करके शहीद द्वीप किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप किया गया। तीनों मैच करने के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आइडिया रखिएगा। अगर बात करें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो हमारी कंट्री में है, उसमें टोटल स्ट्रेंथ 11 होती है। एक इसमें से चीफ होता है, प्लस 10 जो होते हैं वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में आरटीआई में बदलाव की बात की जा रही थी, कई सारी बातें देखने को मिली आरटीआई की, यहाँ पर कई सारी की डेथ यहाँ पर देखने को मिली, तो इसलिए काफी न्यूज में रहता था, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आप लोगों से, यह है उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन की यहाँ पर बात की गई थी। तो तीन कंपनी IOCL, BPCL और HPCL, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पर बात की गई थी, जो भी यहाँ पर सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, उसके तहत यहाँ पर बोला था इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सके। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में इनके द्वारा ये बात बताई गई। HIV की टेस्ट कराने के लिए हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग बोल सकते हैं, यह है ELSA, ELISA, ये टेस्ट होता है जिसके तहत यहाँ पर पता लगाया जाता है कि हाँ ये क्या फंडा है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी देखते हैं कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं, काफी शानदार आर्टिकल है। इस लेक्चर की PDF आप लोग या तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल, और यहाँ पर जो ये वाला आर्टिकल है, बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हुए हैं, पर लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि बांग्लादेश हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकल के आएगा और डिटेल में डिस्कस करूंगा यहाँ पर आर्टिकल को, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सके कि बांग्लादेश हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी जीत यहाँ पर जो अभी फिलहाल हुई है जो, तो वो हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है जो फिलहाल पार्टी जीत कर आई है, तो डिटेल में यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। राजस्थान में अभी यहाँ पर नई गवर्नमेंट बन के आई है और नई गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर जो चेंज किया है, पंचायत राज में जो इलेक्शन होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं उसमें चेंज किया गया क्राइटेरिया कि कौन कौन इलेक्शन लड़ सकता है, यहाँ पर एजुकेशनल क्राइटेरिया को हटा दिया गया है, उसके ऊपर नजर डालेंगे।
2019 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये ईयर एक तरीके से जो पुराने टाइम में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि ये ईयर उनकी याद दिलाने वाला है, यानी कि 100 साल किसी को कंप्लीट हुए, किसी को 35 साल, किसी को 50 साल, तो उसके ऊपर नजर डाली है। तो एक एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है, तो अच्छे से इस आर्टिकल के ऊपर नजर डालने वाले हैं। आगे जो बात की जा रही है, देखिए अगर किसी के साथ में कोई उल्टी सीधी दुर्घटना होती है तो उसके साथ दुर्घटना होने के बाद में उसको एक तरीके से गवाह के तौर पर देखा जाता है, यानी कि अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो उसको गवाह समझा जाता है, पर लेकिन उसको विक्टिम की तरीके से नहीं देखा जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस तरीके से यहां पर बात की जा रही है। तो एक केस था जिसमें यह बोला गया था कि गवाह अपनी जगह सही है पर उसको विक्टिम की तरीके से भी देखना चाहिए कि उसके साथ कुछ ऐसा दर्दनाक घटना घटी है कि आप लोगों को उससे उभारने की जरूरत है उसे, तो उस पर भी फोकस देकर चलना चाहिए। सबरीमाला टेम्पल के बारे में केस है, यहां पर बात की जा रही है कि जो सोसाइटी में आज के डेट में उबाल है यहां पर, वो देखा ना यहां पर अलग तरीका से थोड़ा उसको देखना चाहिए, उसको बिल्कुल रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हाँ ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आर्टिकल पर नजर डालेंगे, जो केस आया था उसको भी हम लोग यहां पर एनालाइज करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर, और यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है यहां पर देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात यहां पर बस ये बोली जा रही है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है तो देखिए ये नहीं है कि वो पर्सनैलिटी एक काम करिए तो उसी नाम से जाना जाता है। कोई डॉक्टर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है कि वो अच्छा खासा उसको नॉलेज हो कुछ किसी और पर्टिकुलर दूसरे एरिया के बारे में भी। एक तरीके से जैसे मान लीजिए आप लोग कोई पर्टिकुलर किसान है तो ये थोड़ी ना कि वो किसानी का ही काम कर रहा है, हो सकता है कि साइड में कोई और दूसरा बिजनेस भी कर रहा हो तो उसकी भी उसको अच्छी खासी नॉलेज हो। तो कहने का मतलब ये कि एक पर्सनैलिटी को कई सारे एरिया की नॉलेज हो सकती है, उसको हम लोग को बिल्कुल ऐसे नहीं देखना चाहिए कि पर्टिकुलर एक स्पेयर में ही हमको उसको सिमेंट देना चाहिए। पर लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर 21st सेंचुरी की हम लोग बात करते हैं, एक्सपर्टीज पर फोकस देने के चक्कर में, यानी कि ये पर्सन इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा विद्वान है, बहुत ज्यादा मतलब ज्ञानी है, उसके चक्कर में जो यहां पर एक तरीके से जो कई सारे मल्टीपल एरिया की जो नॉलेज हुआ करती थी उसको हम लोग यहां पर आज के डेट में भूलते हुए जा रहे हैं। तो ये देखिए गलत बात है, क्योंकि देखिए अगर कई सारे एरिया में नॉलेज है तो देखिए जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिस तरीके से डीएम होता है, तो जो डीएम होता है यहां पर, तो डीएम का एक तरीके से आप लोग ये देखकर चलेंगे कि अगर यहां पर डीएम को कई सारे एरिया की नॉलेज है तो समझिए कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग होंगे, हर तरीके की प्रॉब्लम निकल कर आएगी वहां पर, बहुत सारी चैलेंजेस सामने निकल कर आएंगे। तो अगर एक ये एक्सपर्ट एक पर्टिकुलर एरिया में न होकर एक जर्नलिस्ट है, यानी कि हर एक एरिया की नॉलेज है अगर यहां पर जो डीएम है, ठीक है ना, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है अगर उसको सब एरिया की नॉलेज है तो तब वो अच्छा रहेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज है तब अच्छा रहेगा? तो यहां पर जो सब नॉलेज होगी तभी अच्छा रहेगा ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं, जो आज की डेट में स्पेशलाइजेशन के चक्कर में हम जो एक जो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है उसके जो दूसरे टैलेंट है हम लोग उसको इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, और ये गलत तरीके की सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, शेख हसीना जो शानदार तरीके से जीत कर आई है, ये हमारी कंट्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी कंट्री की है और इसी के साथ में जो साउथ एशिया में जो स्ट्रेटजी है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, और इसी के साथ में बोला जा रहा है कि किस तरीके से इनको प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक लेकर चलना चाहिए, इसी के साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना चाहिए, तो ये इंडिया के लिए गुड न्यूज कैसे है, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों का एनालिसिस यहां पर करना है, यानी कि इस पर फोकस देना है कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और साउथ एशिया वाला जो पोर्शन है किस तरीके से और इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और खुद की कंट्री में भी इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का हमारी कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि अगर बांग्लादेश में शांति रहेगी तो हमारी कंट्री पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। पहले एक बार मैप में आप लोग निहार लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां पर हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो यहां पर जन्म हुआ था वो जब 1971 की वॉर हुई थी उसके बाद में जन्म हुआ था, इससे पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, पर लेकिन जब ये इसके चक्कर से यहां पर इसके चंगुल से छूट गया फिर ये एक नई कंट्री बना। नई कंट्री बनने के बाद भी रहा इतनी आसान नहीं थी जितनी सोची जा रही है, आगे चलकर काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। जो आज की डेट में शेख हसीना जी है इनकी पूरी फैमिली को मार डाला गया, असैसिनेट कर दिया गया। तो यहां पर इसके बाद में यहां पर मिलिट्री रूल भी काफी लंबे समय तक चला, काफी कुछ यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली, पर लेकिन जब 2008 में यहां पर ये पावर में आई तब से लेके अब तक ये इनकी फोर्थ टर्म है, और फोर्थ टर्म के चलते हुए इन्होंने जिस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो बहुत ही सराहनीय है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन का ये रिजल्ट है आप लोगों के सामने। क्या है यहां पर 299 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 300 सीट्स हैं, एक एब्सेंट है यहां पर, यानी कि एक यहां पर डेथ हो गई थी, इसलिए 299 में से 288 सीट आप लोग देख रहे हैं यहां पर क्या कंडीशन बनी हुई है, यानी कि 300 में से ओनली 12 सीट इनके हिस्से में नहीं आई है, बाकी जो पूरी कोएलिशन है वो आप लोग देखते हैं सारी सीट्स इनके हिस्से में है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सही चल रहा होगा, तो वही बात यहां पर आप लोग देख सकते हैं। और जो इनकी फोर्थ टर्म है वो भी यहां पर देखिए आप लोग 2008, 14
और यहाँ पर 18 देख सकते हैं इसका, तो इससे पहले 2008 तक आप लोग देखते हैं। अब इनकी फोर्थ टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 18 तक इनकी ये तीसरी टर्म हो गई, अब फोर्थ टर्म इनकी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो किस तरीके से इसको लेकर चलने वाले हैं वो अभी देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से देखिए, अगर किसी पर्सनैलिटी को आज के में देखते हैं किसी मुकाम पर है तो बहुत जद्दोजहद उसने की है तब वो जाकर वहां पर पहुंचा है, ऐसे ही नहीं कि आसानी से कुछ उस इंसान को मिल गया है। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है 288 जो सीट इनको मिली है, तो इसके पीछे एक अच्छी मेहनत आप लोग बोल सकते हैं, काफी शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी तब जाकर यहाँ पर इनको ये सीट्स मिली। बांग्लादेश अगर नेशनलिस्ट पार्टी की बात करें तो इसने यहाँ पर बायकॉट किया था इलेक्शन का 2014 में, अब की बार पार्टिसिपेट किया है, पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी कुछ इनको हाथ पल्ले नहीं लगा है। शेख हसीना को बोला जा रहा है अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत हो चुकी है, अच्छे खासे लेवल पर चल रही है, अब थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखकर चलना चाहिए और डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना चाहिए। देखिए कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आई, लगभग 20-22 लोगों की यहां पर जान गई। इसी के साथ में ये बोला जा गया इवन इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी कि देखिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यानी कि एक साइड में तो आवामी लीग है और एक साइड में यहाँ पर जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, एक तरीके से इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है, आप लोगों ने रनिंग की होगी, ये ग्राउंड इस तरीके से देखा होगा, तो ये जो ग्राउंड होता है यहाँ पर जब रनिंग की जाती है तो यहाँ पर अलग अलग ग्राउंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ट्रैक होता है जैसे ग्राउंड में। तो मान लीजिए एक पर्सन तो यहाँ है, ठीक है, इसको यहाँ से दौड़ने के लिए बोला जा रहा है, दूसरे पर्सन को जो आगे से दौड़ने के लिए बोला जाएगा और तीसरे पर्सन को यहाँ पर और भी आगे से दौड़ने के लिए बोला जाएगा ताकि डिस्टेंस को इक्वल कवर किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर आप लोगों को इक्वल लेकर चलना है सबको, अगर यहाँ पर इस तरीके से, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ये नहीं है कि गवर्नमेंट साधन का नेगेटिव यूज किया जा रहा है और उसके बाद में आप लोग इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। और अगर यहाँ पर विक्ट्री की बात करें तो बोला जा रहा है कि 1975 में अगर आप लोग लेकर चलेंगे तो इनकी पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया था, तब जाकर यहाँ पर बहुत लंबे समय तक इन्होंने चीजों को समझा जाना और तब जाकर आज के दिन में यहाँ पर एक लीडर के तौर पर उभर कर आई हैं, तब जाकर इनकी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ी है। अगर बात करें यहाँ पर कंट्री के जो फाउंडर है उनकी देखने को मिलेगा यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर 50th जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है इंडिपेंडेंस की, और जो फादर है उसकी कली जा रही है यहाँ पर, जो फाउंडिंग फादर है उसकी, ये यहाँ पर 100th सेंचुरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इनके टर्म में ही ये दोनों चीजें होने वाली है, यानी कि जो फाउंडर है उनके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर शताब्दी देखने को मिलेगी 2020 में, और जहाँ पर कंट्री के जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए यहाँ पर 50 साल देखने को मिलेंगे 2050 में, तो ये अब यहाँ पर 2021 में, तो अब यहाँ पर ये इन्हीं के अंडर में देखने को मिलने वाला है। तो विक्ट्री जो है अब ये और ज्यादा इनको इंक्लूसिव बनानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको ढंग से लेकर चलना चाहिए और जो भी राइट्स हैं यहाँ पर सिटीजन के उनको भी ढंग से इंपॉर्टेंट तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, और जो भी आज की डेट में जो पॉलिटिकल डिवीजन सोसाइटी में देखने को मिल रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव तरीके से इनको लेकर चलना चाहिए, यानी कि जो डिवीजन हो चुका है उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश करनी चाहिए अगर रियली चाह रही है कि वो एक अच्छे बांग्लादेश का यहाँ पर सामने निकल कर आए, अच्छा बांग्लादेश यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव बांग्लादेश देखने को मिले, तो उसके बारे में ये बात की जा रही है। आगे यहाँ पर अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडिया के बारे में। देखिए आप लोगों ने लोकेशन तो देख ही लिया बांग्लादेश की कहां पर है, अगर बांग्लादेश यहाँ पर अच्छे से रहता है तो हमारी कंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में खासकर वेस्ट बंगाल कनेक्टेड है, यहाँ पर बांग्लादेश को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में आसाम का थोड़ा सा पार्ट है, मेघालय आप लोग देखते हैं, त्रिपुरा देख सकते हैं और मिजोरम यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से ये वाले पोर्शन हमारी कंट्री के यहाँ पर कनेक्टेड हैं इसके बांग्लादेश के साथ में, तो अगर बांग्लादेश में शांति रहती है तो इन वाले पोर्शन में शांति रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा यहाँ से अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, अगर हम लोग इस साइड में जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये, अगर हम लोग यहाँ से अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर बांग्लादेश में शांति रहती है तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट हम लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश की, अगर यहाँ पर तो तीस्ता रिवर आप लोगों ने सुना होगा, तीस्ता रिवर दोनों की कंट्री के बीच में झगड़ा रहता है, तो वो भी यहाँ पर अगर सही लेवल पर चल रहा है उसको भी आप लोग देखते हैं, वो भी एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर सामने निकल कर आती है। बॉर्डर इश्यू काफी सारे हम दोनों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर सुलझा लिए हैं, तो वो भी एक अच्छी बात बोल सकते हैं, और इन्हीं सब का नतीजा है कि बांग्लादेश में अब की बार इलेक्शन हुए और हमारे खिलाफ वहां नारे नहीं लगे। नॉर्मली क्या होता है, इंडिया के खिलाफ वहां पर कंपेन चलाए जाते हैं कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी इंडिया का नाम ले लेकर फायदा उठाने की कोशिश करती है, पर अब की बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, तो ये एक पॉजिटिव नोट आप लोग हमारे लिए, यानी कि अपनी कंट्री के लिए बोल सकते हैं। इसीलिए बोल रहा था मैं कि खुशखबरी है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट चुनकर आई है वो सपोर्टिव गवर्नमेंट है, क्योंकि इससे पहले एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर देखने को मिला करता था, पर लेकिन इन्होंने उसको भी यहाँ पर सप्रेस किया, तो ये भी एक अच्छी बात यहां पर बोल सकते हैं। और कंप्लीट इलेक्शन में हमारी कंट्री की साइड से कोई सिंगल कमेंट भी नहीं निकल कर आया बांग्लादेश के बारे में, वो इसीलिए नहीं निकल कर आया ताकि यहां पर उल्टी सीधे फिर कमेंट होने के साथ में एक तरीके से लगने लगता कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री के बीच में, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये बात की गई। तो अभी जो बात बोली जा रही है
ये गुड न्यूज है यहाँ पर हमारी कंट्री के लिए। अब देखने को ये मिलेगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक टाई कैसे हम लोग लेकर आगे चलते हैं, भले ही यहाँ पर 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं इस साल में हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट चुनकर क्यों ना आए, बीजेपी या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस या तीसरी कोई पार्टी गठबंधन चुनकर क्यों ना आ जाए, पर लेकिन ये सब चीजें आगे बढ़ने वाली है, इनसे हमारे और बांग्लादेश के रिलेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इतना यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया। अब यहाँ पर ये आंसर देना है, अब आप लोग थोड़ा सा मुझे इंजॉय करा दीजिए, यानी कि अच्छे से आंसर को अटेम्प्ट कीजिए, जिस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आंसर देकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। अगला आर्टिकल है यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल के बारे में। एक बार आप लोग इसको लोकेशन को मैप पे निहारिए तो आप लोग समझ पाएंगे कहां पर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आप लोगों के सामने लोकेशन है, जूम करते हैं केरला के अंदर चलते हैं, तो केरला के अंदर जो लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो ये सबरीमाला टेम्पल आप लोग देखिए, और बिल्कुल जाकर ये आप लोगों को फॉरेस्ट के बीच में बिल्कुल नजर आएगा, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर एरिया में, जिसके बारे में यहाँ पर ये काफी न्यूज में है और काफी केसेस आप लोग यहाँ पर इसके देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो टेम्पल है इसको बिल्कुल यहाँ पर ऐसे माना जा रहा है कि देखिए आप लोग इसको वैसे नहीं बोल सकते कि जो यहाँ पर सबरीमाला अयप्पा टेम्पल को आप लोग वैसे नहीं बोल सकते कि कैसे ये है, मतलब कि एक तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओनली यहाँ पर ये नहीं है कि ये पूरी केरला के लिए काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है उस तरीके से अगर आप लोग इसको लेकर चलते हैं तो ये देखिए एक सोसाइटी को पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जो आप लोग यहाँ पर ये कंडीशन देख रहे हैं, सबसे पहले केस के बारे में जानते हैं। देखिए क्या था, यहाँ पर पांच जज की बेंच थी, पांच जज की बेंच ने यहाँ पर ये केरला में सबरीमाला टेम्पल में अगर बात करें 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं उनको एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। अब तक यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो यहाँ पर जो पीरियड साइकिल होती है महिलाओं की उनकी वजह से यहाँ पर ये डिसीजन लिया जा रहा था। कि एक तरीके से आप लोगों को पता होगा, मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी जो अभी अक्षय कुमार जी की आई थी, तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना नेगेटिव तरीके से सोसाइटी में उसको दिखाते हैं, यानी कि पैडमैन मूवी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये सब चीजें, ये कुरीतियां हटाने के लिए यहाँ पर महिलाओं को भी राइट है, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर सकती हैं, पर लेकिन डिसीजन में पांच जज में से एक ने अपोज किया। ठीक है, अपोज करने वाली जो जज थी वो महिला थी, उन्होंने ये बोला कि देखिए रिलीजन के मैटर में इस तरीके से हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये बात उनके द्वारा यहाँ पर बोली गई। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यहाँ पर रूल है, यहाँ पर रूल है इनका केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, तो यहाँ पर ये जो है इसके हिसाब से जो एंट्री है यहाँ पर जो 1965 में आया था, तो ये बोला गया था कि यहाँ पर ये वो महिला की जो एज है उसको यहाँ पर एंट्री नहीं देनी है। तो देखिए अगर राइट की बात करते हैं तो इसे हनन किस किस चीज का होता है, फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी का हनन होता है, इक्वलिटी मेंस के बीच में बोला जाए समझ में आती है जो मैन होते हैं, इवन यहाँ पर वुमेन के बीच में भी यहाँ पर वो किया जा रहा है, यानी कि मैन में अगर बोलूं कि मैन और वुमेन के बीच में अगर यहाँ पर डिफरेंस है तो समझ में आता है, वुमेन वुमेन के बीच में भी डिफरेंस किया जा रहा है वो देखने को मिला। यहाँ पर राइट टू फ्रीडम की बात की जा रही थी, एक तरीके से अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से महिलाओं को गलत तरीके से समझा जा रहा है, रिलीजन की फ्रीडम नहीं देखने को मिल रही थी, और इसी के साथ में आप लोग बोल सकते हैं कल्चर और एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा सकती है जिस तरीके से यहाँ पर ये एक्टिविटी निकल कर आ रही है। तो बोला क्या जा रहा है राइटर के द्वारा, देखिए राइटर अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि केरला को सेव करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बस इसको एक राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम लोग दूसरी तरीके से इसको नहीं देख रहे हैं। आज की डेट में आप लोगों को जो केरला नजर आ रहा है ये केरला बिल्कुल डिफरेंट केरला है, ये केरला पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा आज की डेट में केरला है। तो इसको बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखकर मत चलो, ये सोसाइटी में जो आप लोग उबाल देख रहे हैं ये यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो आज के डेट में प्रोग्रेसिव केरला आप लोगों को नजर आ रहा है, ये प्रोग्रेस यहाँ पर लिबरल और जो मॉडर्न सोसाइटी देखने को मिल रही है, ये बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारे सेक्रीफाइस की वजह से यहाँ पर आए, बहुत सारे लीडर यहाँ पर हुए जिसके द्वारा यहाँ पर ये चीज अचीव की गई। और आज की डेट यहाँ पर भी पुराने टाइम में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था शानदार तरीके वाला, यहाँ पर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन ये सारे हुआ करते थे, पर लेकिन जो यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चले उनके बाद में यहाँ पर ये अच्छी एक माहौल बन के आया। तो इसको मेंटेन रखने का काम अब हमारा है, इसको इग्नोर हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर बस इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, पूरी सोसाइटी का एक तरीके से ट्रस्ट इसमें जो जुड़ा हुआ है वो ट्रस्ट ब्रेक करने वाली यहां पर बात हो जाती है। ओके, इसके अलावा यहां पर फंडामेंटल राइट की अगर बात करें रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, आर्टिकल 25 से 28 तक यहां पर देखने को मिलता है, 25, 26, 27, 28 और पार्ट थर्ड हमारे संविधान में ये निकल के आता है, तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेगा, इनसे भी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैंने पॉलिटी में आप लोगों को डिटेल में कंप्लीट पॉलिटी करा रखी है, उसमें आप लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट को तो मैंने सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, ओनली ऐसे नहीं पढ़ाया था कि आप लोग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरीके से पढ़ाया था कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोगों को अपने फंडामेंटल राइट पता होने चाहिए, तो लेक्चर्स आप लोग जाकर देखते हैं, वीडियो के नीचे सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे।
अभी बात की जा रही है यहाँ पर राजस्थान के बारे में। राजस्थान को अगर आप लोग मैप में निहारेंगे तो राजस्थान में अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद में एक नई गवर्नमेंट यहाँ पर चुनकर आई। पंजाब यहाँ पर टच कर रहा है, हरियाणा, इसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो सॉरी गुजरात। और ये आप लोग देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये भी राजस्थान से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को मैंने बताया था, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। अब आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आर्टिकल में नए जो चीफ मिनिस्टर बने वो बने अशोक गहलोत जी और डिप्टी सीएम बने यहाँ पर सचिन पायलट। तो यहाँ पर जो बात निकल कर आई, स्टार्टिंग में जो डिसीजन लिया गया वो ये बोला गया कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक मुद्दा निकल कर आया था बीजेपी के टाइम पर, उसको हटाने की बात यहाँ पर की गई। यानी कि मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट थी वो कैंडिडेट को लोकल इलेक्शन लड़ने के लिए, पंचायत पोल के लिए, तो उनको यहाँ पर हटाने की बात की गई। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये बोल रहे हैं इसको प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं और रिस्टोर करने की बात की जा रही है जो यहाँ पर राइट है, जो लोग यहाँ पर एजुकेटेड नहीं है। अगर देखेंगे 2011 के सेंसस के हिसाब से तो यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर आएगी। देखिए 52% वुमेन है वो आप लोग यहाँ पर एजुकेटेड नजर आएंगे, और 72.9% जो मेन है वो एजुकेटेड नजर आएंगे। बाकी के जो यहाँ पर लोग हैं उनका क्या किया जाए, तो लिटरेसी के बेस पर अगर आप लोग इस तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए क्राइटेरिया क्रिएट कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आधी जनता को आप लोग यहाँ पर आउट कर रहे हो रेस से कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये जो लेकर आया गया था यहाँ पर वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी उनके द्वारा, राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया 2015 में, इससे पहले ऑर्डिनेंस भी आया था, तो इसके तहत यहाँ पर एजुकेशन लिए क्वालिफिकेशन रखी गई। क्या रखी गई थी, सरपंच कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति के लिए यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए, तो ये रखी गई थी। तो देखिए ये जो रखा गया था इसको यहाँ पर पहले भी बहुत सारा क्रिटिज्म यहाँ पर देखने को मिला और बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो कांग्रेस ने ये बोला था कि इसको हटा देंगे और इन्होंने वही किया कि इसको गलत माना जा रहा था और इसको यहाँ पर इन्होंने आते ही इसको हटाने की बात की। तो देखिए अगर मैं अपना पर्टिकुलर परसेप्शन दूं, हम लोग अगर यहाँ पर किसी क्लर्क के एग्जाम के लिए या फिर पियोन के चपरासी के एग्जाम के लिए भी जाते हैं तो वहां पर आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो लगता नहीं है कि इस तरीके से आप लोगों को बोले डिस्क्रिमिनेट करने वाली, तो आप लोग वहां पर भी तो इस दुनिया भर के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वहां पर तो देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई पर्टिकुलर गांव को चलाने वाला इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा अगर हो जाएगा तो उसमें गलत क्या है। तो ये मूव देखिए मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बाकी राइटर को अच्छा लग रहा है, वो पार्टिसिपेटिव एक डेमोक्रेसी बनाना चाह रहे हैं, पर लेकिन ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी अगर आप लोग बना भी लेंगे और वहां पर कोई पर्टिकुलर इंसान अच्छा नहीं होगा जो ढंग से उसको लीड कर सके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ा लिखा इंसान समझदार, जो अगर पढ़ा लिखा है वही समझदार होता है, बिना पढ़ा लिखा समझदार नहीं होता। इंस्टीट्यूट अगर देखिए, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था पर लेकिन समझदार था काफी ज्यादा, वो आप लोगों ने देखा होगा, तो वो बात नहीं बोल रहा हूं, बात ये बोल रहा हूं अगर थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो थोड़ी और ज्यादा चीजें यहां पर अंडरस्टैंड कर पाएगा, किसी की ज्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने डिसीजन खुद से ले पाएगा। तो अगर एक ऐसा इंसान रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए जो भी है यहां पर, तो ये बोल रहे हैं कि देखिए जो इलेक्शन यहां पर होते थे तो कहीं ना कहीं एक पर्पज जो डेमोक्रेसी का था वो यहां पर डिफीट हो पा रहा था। अब यहां पर जो मल्टी टायर लोकल जो गवर्नेंस की अगर बात करते हैं, अब हर एक सेक्शन सोसाइटी का पार्टिसिपेट यहां पर कर पाएगा। अगर इतनी सेक्शन पार्टिसिपेशन की बात हो रही है तो 33% रिजर्वेशन अब तक पास क्यों नहीं किया जा रहा है महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में, तो वहां भी तो यही बात की जा रही है। देखिए एक से दोगले चीजें देखने को मिलती है, वोट बैंक की राजनीति यहां पर खेली जाती है इस तरीके से। बात करी जा रही है यहाँ की बहुत सारे मार्जिनलाइज सेक्शन, यानी कि जो पढ़ा लिखा सेक्शन नहीं है, खासकर अगर बात करें एससी एसटी वाले सेक्शन को नॉर्मली इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो पढ़ा लिखा सेक्शन नहीं है, पर लेकिन ये भी गलत बात है यहाँ पर, ये भी अलग तरीके से सोचा जा रहा है। राजस्थान में जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है तो यहाँ पर ये आगे चलने वाले हरियाणा में भी सोचने की बात रहेगी, क्योंकि राजस्थान के साथ में हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही किया गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ रखा गया था एजुकेशन लेवल, और इसी के साथ में एक फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए घर में वरना आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो वो बोला जा रहा है राइटर की अब यहाँ पर हरियाणा भी सोचेगा कि इसको हटाना है या फिर रखना है। अगर बात करें हरियाणा पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट की 2015 की, तो देखिए इसको भी यहां पर बात की जाए अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो उसने यहां पर इसको सही ठहराया था राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। तो यहां पर देखने को अब यह मिलेगा कि अब इसको कैसे लेकर चलना है, यानी कि आने वाले टाइम में राज्य जो यहां पर लोकल लेवल पर है वहां पर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी या सब हटाते हुए नजर आएंगे जिन्होंने लगा रखा है या कोई और भी यहां पर लगाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं किस तरीके से आगे सोसाइटी चलती है, वोट बैंक के ऊपर खेली जाती है यहां पर राजनीति या कुछ और पैटर्न निकलकर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर इंपोर्टेंट है, हल्का सा ध्यान से इसको भी सुनेगा आप लोग, यहाँ पर भी एक केस की बात की जा रही है। तो मल्लिका अर्जुन कोडागिल जिनकी अभी डेथ हो चुकी है वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक केस था, उसमें ये बोला गया था अगर किसी के साथ में कोई दुर्घटना होती है, किसी के साथ में मान लीजिए
छेड़छाड़ हो गई किसी के साथ में, किसी को गोली लग गई, किसी का एक्सीडेंट कर दिया गया, किसी के साथ में कोई मतलब जिस तरीके से मतलब कुछ कुछ भी गलत काम आप लोग यहां पर बोलिए अगर किसी के साथ में हो गया, तो आज की डेट में अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसको जब भी यहां पर कोर्ट में जाते हैं तो जब पर कोर्ट में जाता है चाहे किसी भी कोर्ट में क्यों ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, वहां पर उसको एक तरीके से गवाह के तौर पर देखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये उसको विटनेस बॉक्स में ले जाकर खड़ा कर जाता है और गवाह के तरीके से देखा जाता है, उसको एक विक्टिम के तरीके से नहीं देखा जाता है। यानी कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है वो वाली चीज नहीं देखी जाती है, गवाह के तौर पर उसको देखा जाता है कि हाँ ये गवाह है, इससे बातें निकलवाओ। और अगर बात करें यहां पर डेफिनेशन जो दी गई है विक्टिम की, तो यहां पर उसके हिसाब से बात की जा रही है 2009 में जो जो डिफाइन किया गया है क्रिमिनल लॉ के तहत, तो देखिए उसमें यहां पर बातें सीधा सीधा फोकस देकर यह चलना चाहिए कि इसको उसमें विक्टिम के तौर पर भी यहां पर दिखाना चाहिए, ना कि ओनली गवाह के तौर पर। और यही बात बोली गई यहां पर इस केस के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इसमें यह बोला गया कि यहां पर देखिए हालांकि अगर यहां पर गवाही दी जाती है तो फायदा देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है जो यहां पर विक्टिम का अगर यहां पर वो अपनी जो स्टेटमेंट देता है, पर लेकिन ये कंसर्न कई सारे निकलकर ये आते हैं कि उसके बारे में हम लोग कितना सोच रहे हैं, केस को सोल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, पर उसके पर्टिकुलर बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी कि उसको ध्यान में रखकर सोचना चाहिए कि अगर इसकी जगह हम होते और हम लोगों से इस तरीके की गवाही ले रहे होते तो हम पे क्या इंपैक्ट पड़ता, यानी कि वो बात भी यहां पर ध्यान में रख के चलने चाहिए। हालांकि पोटेंशियल काफी रहता है, यहां पर स्टेटमेंट दी जाती है जो कई सारी जो चीजें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, बैलेंस व्यू निकल के आते हैं यहां पर जो कोर्ट में अगर यहां पर इस एक हियरिंग में यहां पर इनके द्वारा यहां पर जो स्टेटमेंट दी जाती है। इसके अलावा पनिशमेंट किसको देना है वो डिसाइड किया जाता है, इसके अलावा किसी को कंपनसेशन देना है वो डिसाइड किया जाता है, पर लेकिन जो इंपैक्ट यहां पर जो विक्टिम की जो स्टेटमेंट है उसको बोला जा रहा है यहां पर एक मैंडेटरी कर देना चाहिए। यानी कि गवाह के तौर पर सही है पर लेकिन विक्टिम के तौर पर भी आप लोगों को उसको सुनना चाहिए। और ये यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ऐसी है जो विक्टिम के तौर पर भी उसको सुना जाता है, गवाह के तौर पर तो सुना ही सुना जाता है, विक्टिम के तौर पर भी। तो इंडिया में भी यहां पर ये इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि यहां पर जो विक्टिम के राइट है उनको भी ध्यान में रखा जा सके। और ये हमारी कंट्री की रिस्पांसिबिलिटी है, ये नहीं कि बस केस सोल्व करना है, किस तरीके से वो झेल रहा है, किस तरीके से वो चीजों को यातनाएं एक तरीके से उसके माइंड में चल रही है, वो सारी चीजें भी यहां पर काउंट करके हम लोगों को चलनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट केस है, केस के बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आगे यहां पर एक एनालिसिस यहां पर किया जा रहा है, तो एनालिसिस किस किस चीजों का किया जा रहा है, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा 2019 जो आने वाला है, मतलब आने वाला क्या आ गया है, ठीक है, आने वाला आ गया है अब 2019। ओके, तो 2019 में अभी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 150वीं बर्थ एनिवर्सरी यहां पर महात्मा गांधी जी की, और इसी के साथ में मिर्जा गालिब की यहां पर सेलिब्रेट किए जाना है। इसी के साथ में जो हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था अंग्रेजों के टाइम पर, उसमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था कि पार्टिसिपेशन बढ़ा था गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन बढ़ा था हम लोग गवर्नमेंट में, तो ये भी इसका भी आप लोग देखते हैं यहां पर 100 साल कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करते हैं, एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन देखने को मिली थी हमारी कंट्री के लिए जो बोला गया था यहां पर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रॉयल एक्ट उसको बोलते हैं या फिर ब्लैक एक्ट भी इसको बोला जाता है, ये भी यहां पर इसी ईयर में निकल के आया था। इस टाइम पर जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था तो जलियांवाला जो नरसंहार आप लोगों को देखने को मिला मैसेकर, ये भी इसी टाइम पर अमृतसर में देखने को मिला, जिसको ध्यान में रखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो अवार्ड यहां पर दिया गया था नाइटहुड अवार्ड, जो वो भी इन्होंने 100 ईयर पहले यहां पर इसको रिटर्न कर दिया था। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो यानी कि कुछ अच्छी चीजें आप लोग यहां पर देखते हैं, कुछ बुरी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर यहां पर बात की जा रही है जो गुजरात में जो दंगे हुए थे, ये 2002 वाले दंगे की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, ये जो की जा रही है 1969 के जो दंगे हुए उसकी बात की जा रही है, उस टाइम भी हिंदू मुस्लिम की चीज देखने को मिली। और यहां पर 1947 के बाद में फर्स्ट टाइम यहां पर इतना ज्यादा नरसंहार देखने को मिला, उसके भी यहां पर 50th एनिवर्सरी यहां पर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए यहां पर 1984 के जो दंगे हुए थे एंटी सिख राइट्स जिनको बोला जाता है, उसकी आप लोगों को 35वीं एनिवर्सरी यहां पर देखने को मिलेगी, तो ये भी आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। इसी के साथ में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर राकेश शर्मा जो एयरफोर्स से कनेक्टेड थे यहां पर, ये क्या किया गया था यहां पर, इनको यूएसए जो इंडिया और यहां पर यूएसएसआर यानी कि हमारी कंट्री के इसरो और यूएसएसआर के द्वारा मिलकर यहां पर जो इनको स्पेस में भेजा गया था, यानी कि जो यहां पर टोटल 6 लोगों को भेजा गया था, 5 यूएसएसआर के थे और एक हमारी कंट्री के थे राकेश जी, तो इनको जो भेजा गया था उस टाइम पर इनसे पूछा गया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, यानी कि हमारी कंट्री ऊपर से कैसा दिखता है, तो इन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा, पर लेकिन वो स्टेटमेंट सही थी सारे जहां से अच्छा, पर लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2019 में हम लोग इंडिया को कैसे देख रहे हैं और आगे हम लोग इंडिया को कैसे लेकर चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर देखने वाली होगी। यानी कि उस टाइम पर सारे जहां से अच्छा बोला गया, क्या रियली में ये सारे जहां से अच्छा है, तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से बोल रहे हैं कि इस ईयर को हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेकर आना चलने चाहिए, क्योंकि अभी 2019 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन में चुनकर वो गवर्नमेंट सामने आनी चाहिए जो कि रियली में हमारी कंट्री के लायक गवर्नमेंट है और एक लायक पर्सन पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। तो 2019 में सबसे पहली तो बात यही बोली गई कि हर एक पर्सन को वोट देनी चाहिए,
क्योंकि जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जब यहाँ पर बात बोली गई थी तो उन्होंने ये बोला गया था कि डिक्टेटरशिप देखिए नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी अगर आप लोगों को रखनी है तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी निकल कर आएगी जब हम लोग पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे। और कई बार प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है अगर किसी को बहुत ज्यादा वोट मिल जाती है आगे चल के वो भी डिक्टेटरशिप का थोड़ा रोल प्ले करने लगता है। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। लिबरलिज्म होना चाहिए सोसाइटी में, एक लिबरेशन यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए सोसाइटी में, यानी किसी भी तरह का डर भय नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो पब्लिक लाइफ है उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं आजकल में कोई कुछ बोल नहीं सकता है, दंगे फसाद हो जाते हैं जरा सी देर में, कोई कुछ कमेंट नहीं कर सकता है। जो जो यहाँ पर राइट एक्टिविस्ट है अगर आरटीआई की बात करें, जो मांगने वाले हैं उनकी बात करें तो बहुत सारों की जान यहाँ पर जा रही है, तो ये गलत बात है। अगर बात करें यहां पर लिबरेशन पॉलिटिक्स में होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से मनी के बेस पर यहां पर पॉलिटिक्स नहीं खेली जानी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और यहां पर नेशनल रिसोर्सेज जो है उनका भी ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन और उनको भी ढंग से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो बात की जा रही है एथिक के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक सोसाइटी जो होनी चाहिए वो ऑनेस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा जो कंट्री है तब जाकर सारे जहां से अच्छा पड़ेगा, जब हम लोग अंदर से दिल से, यानी कि अगर हम लोग अपने दिल से अच्छे होंगे तो हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। अगर हम लोग दिल से अच्छे नहीं होंगे तो सारे जहां से अच्छा बाहर बाहर से देखने में लगेगा, अंदर से अच्छा देखने में नहीं लगेगा। तो इस पर फोकस देने की यहां पर बात की जा रही है, जो कि आप लोग काफी इंपॉर्टेंट यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन, तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में। तो यहां पर जो रजिस्टर आया था उसमें 3.29 जो करोड़ लोग हैं वो यहां पर एक तरीके से उस टाइम पर देखने को मिले थे, और इनमें से जो यहां पर 40 लाख लोग बाहर रह गए थे, 40 लाख में से 30 लाख लोग के द्वारा फिर से फॉर्म यहां पर भरा गया है। और यहां पर जो प्रस्तुत किया जाएगा ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, 6 महीने बाद यहां पर इसको प्रेजेंट किया जाएगा कि जो जो भी यहां पर इंक्लूड किए गए 2019 के जून महीने में इसको प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि डेडलाइन है कंप्लीट करने का ये प्रोसीजर। अभी सितंबर में देखने को मिला था आप लोगों को, सितंबर में जो कि यहां पर राउंड हुआ था इसका गदम पर, लेकिन जो बाहर हो गए थे उनके लिए एक और ऑप्शन यहां पर देने की बात की गई थी। तो अच्छा पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट 2019 के लिए आप लोग इसको गिफ्ट मान सकते हैं एक तरीके से, यानी कि जो फोन के एडिक्शन में अगर आप लोग लग गए हैं तो यहां पर डिजिटल डिटॉक्स बाय सट क्लिनिक, ये बात की गई किसके द्वारा, ये स्टार्ट किया गया हमारी कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड द न्यूरो साइंस के द्वारा। ये देखने को मिलने वाला है यहाँ पर कि अगर आप लोग मोबाइल ज्यादा लंबे समय तक यूज करते हैं तो आप लोगों को रिमाइंडर यहाँ पर बताता रहेगा, क्योंकि देखिए मोबाइल जो है स्लीप डिस्टर्बेंस करता है, इसके अलावा दिमाग पर बहुत ज्यादा बर्डन भी डालता है। कई बार आप लोग अच्छे मूड में होते हो, कई बार मूड भी खराब करने का आप लोगों का काम कर देता है, हालांकि अच्छा करने का भी काम करता है, पर लेकिन जो अप्स और डाउन आते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं, जो कि गलत इंपैक्ट यहाँ पर डालते हैं। तो ये एक तरीके से एनालाइज करेगा जो एडिक्शन है पर कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं आप लोगों को रिमाइंड कराता रहेगा कि हाँ आप लोगों को बंद कर देना चाहिए, काफी टाइम हो गया, ताकि आप लोग जो है मोबाइल का यूज कम करना स्टार्ट करें लाइफ में और थोड़ा सा नेचुरल लाइफ को भी जीना स्टार्ट करें। तो ये ऐप काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आगे जो बात की जा रही है 6 म्यूनामेंट खासकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से यहां पर देखने को मिले, जो कि अब की बार यहां पर म्यूनामेंट ऑफ द इंपोर्टेंस बोला गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़िएगा, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, और ये कौन कौन से 6 म्यूनामेंट है जिनको नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया, नीचे कमेंट बॉक्स में इन 6 का भी नाम आप लोगों को बताना है। अगर बात करें रिजर्व रेशियो की हमारी कंट्री में तो ये लगभग काफी ज्यादा है, हमसे ऊपर साउथ अफ्रीका और रशिया है, बाकी आप लोग देखते हैं ये एक सारी कंट्री हमसे नीचे है। तो इसीलिए यहां पर जो गवर्नमेंट बोलती है वो बोलती है कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में सरप्लस मनी है वो हमको दे दो, उसी के पास में रसकरी चल रही है। तो काफी कुछ आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो कि हमारी कंट्री में काफी ज्यादा देखने को मिला है, 26.2 ठीक है, एज कंपेयर टू अगर यहां पर यूएसए में देखेंगे तो 0.2 है ये। तो सुसाइड तो यहां पर इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि कई बार जो रस्सा कसी निकल कर आती है आरबीआई को, तो ये कंडीशन यहां पर इसी पर्पज है, तो कैसे इसको सोल्व किया जाए। चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक उड़ीसा के, उनके द्वारा यहां पर ये है जो एक स्कीम स्टार्ट की गई है किसानों के लिए, इसका नाम रखा गया कालिया। तो नाम क्या है इसका, फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड द इनकम ऑग्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोस्पेरिटी बढ़ाई जाएगी किसानों की और किस तरीके से गरीबी को मिटाना है उस पर फोकस दिया जाएगा, तो ये उड़ीसा के लिए गिफ्ट की तरीके से माना जा रहा है। आर्म फॉर स्पेशल पावर एक्ट इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है नागालैंड में, और ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया ज्यादा माना जा रहा है। अंडमान निकोबार में अब जो फोरन है वो डायरेक्टली फ्लाई यहां पर कर पाएंगे, यानी कि यहां पर एक तरीके से इमिग्रेंट जो चेक पोस्ट यहां पर देखने को मिलेगी, डायरेक्टली अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो यहां पर जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहां पर आप लोगों को डेवलपमेंट भी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। बाकी ये था हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहाँ पर इथोपिया मैंने आप लोगों से पूछा था। तो अदिस अबाबा यहां पर इसकी कैपिटल है, आसपास वाला एरिया देखते हैं, ये हो गया केनिया, ये हो गया लेक तुर्काना ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये हो गया सोमालिया, डिजिबूटी, ये हो गया इरिटेरिया, इसके अलावा ये हो गया सूडान, ये हो गया यहाँ पर रेड सी, इधर देखेंगे थोड़ा सा तो ये गल्फ ऑफ एदन, और ये हो गया यहाँ पर यमन।
इंडियन ओशन में आप लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, अगर आप लोग इसको मैप में कंपेयर करना चाहते हैं अपनी कंट्री के रेफरेंस में तो वो भी आप लोग देखते हैं, तो कहाँ पर है ये इथोपिया, आप लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंट्री जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसका भी पार्ट आप लोग इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। जो इथियोपियन बिर यहाँ पर इसकी करेंसी है। बाकी अब आप लोगों के सामने क्विज आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कि आप लोगों को ये भी दिखाता है कितना अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन को जो जो यहाँ पर पूरा डिस्कशन है उसको सुना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बात की जा रही है, केस का नाम आप लोगों को बताना है जिसके तहत यहाँ पर जो बोला जाए कि विक्टिम जो इम्पैक्ट जो विक्टिम स्टेटमेंट इम्पैक्ट है उसको यहाँ पर कंपलसरी करना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए। ये केस में कौन था यहाँ पर पर्सनैलिटी उसका नाम आप लोगों को बताना है। कौन से राज्य के द्वारा यहाँ पर स्क्रैप करने की बात की गई है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो कि यहाँ पर लोकल इलेक्शन के लिए है। ये यहाँ पर 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की बात की गई है बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की, तो कौन सा साल ये होगा। जलियांवाला बाग मैसेकर में किसके द्वारा रिटर्न किया गया था जो नाइटहुड अवार्ड इनको दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। इसरो और यूएसएसआर के द्वारा मिलकर यहाँ पर जो मिशन भेजा गया था स्पेस में, हमारी कंट्री का कौन सा सिटीजन था जिनको यहाँ पर भेजा गया था। इसके अलावा आप लोगों को बताना है 3.29 करोड़ जो यहाँ पर एप्लीकेशन आए थे तो एक्सक्लूड किया गया था उनमें से कितनों को यहाँ पर जो कि फिर से यहाँ पर फॉर्म डाल रहे हैं उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कौन से यहाँ पर राज्य के द्वारा ये है कालिया ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है, ये आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, तो आप लोगों को रिजोल्यूशन जरूर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का रिजोल्यूशन है और कैसे आप लोग चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। तो शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय कीजिए, टेंशन नहीं लिया करते, टेंशन लेकर किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, डिसलाइक भी करिएगा, अगर डिसलाइक करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा डिसलाइक क्यों किया है। तो इसके अलावा आप लोगों को देखिए खुश रहना है और इंजॉय करना है लाइफ को, तो बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार और छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।